next lecture for class 11. Actually, this is lecture number 3. We have uploaded lecture number 1. Then some of you may think, sir, where is lecture number 2? Actually, we have recorded, but due to some technical errors, we are not able to upload it. But soon, you will get it on YouTube. Now we are starting lecture number 3. There is no relation between lecture 2 and lecture 3, right? So, आपके दिमाग में ये पॉइंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि लेक्चर 2 मिस हो गया है तो 3 पे कोई इफेक्ट आएगा. ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा. हम लेक्चर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं. लेक्चर 3 में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की. केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? देखें, हमने दो वर्ड डिफाइन किए थे. वन वाज कंपाउंड एंड सेकेंड वाज मिक्सचर. मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर सिंपली मीन्स दैट अमाउंट और प्रोपोर्शन. अमाउंट और प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इज नॉट नहीं होता. अमाउंट फिक्स नहीं होता. इसका एक और एग्जांपल हमने एक गोल्ड की ज्वेलरी से किया था कि गोल्ड इन द प्योर स्टेट इज ऑफ 24 कैरेट, बट 24 कैरेट इज सो मच सॉफ्ट दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग द ज्वेलरी. उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव टू ऐड समथिंग लाइक कॉपर, यू कैन ऐड सिल्वर. तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि 24 कैरेट से हम ज्वेलरी नहीं बनाते, लेकिन 22 कैरेट से बना सकते हैं. 22 कैरेट से मतलब 22 कैरेट विल बी गोल्ड एंड 2 कैरेट विल बी गोल्ड सॉरी सिल्वर एंड कॉपर. यू कैन मेक ज्वेलरी फ्रॉम 20 कैरेट एज वेल. 20 कैरेट मींस 20 कैरेट विल बी गोल्ड एंड 4 कैरेट विल बी सिल्वर एंड कॉपर. अब सिल्वर कितना डालना है, कॉपर कितना डालना है, इट इज अप टू द गोल्ड स्मिथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. कहीं पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिल्वर ज्यादा डाला जाएगा, कहीं पर कॉपर ज्यादा डाला जाएगा. तो यहाँ पर ये बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर कोई गोल्ड स्मिथ गोल्ड की ज्वेलरी बनाने जाएगा तो उसमें ये कोई रूल नहीं है कि इतने गोल्ड में इतना सिल्वर और इतना कॉपर डालना ही कंपलसरी है. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो उस प्रोपोर्शन को, वो उस रेशो को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. मतलब मिक्सचर इज, मिक्सचर मीन्स अमाउंट और प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज नॉट फिक्स्ड. बट कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंपाउंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. ये बात फिक्स है कि अगर जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड, तो ये बात फिक्स है कि कौन सा एलिमेंट कितने ग्राम आएगा. तभी हम उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड. और कंपाउंड को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, प्योर की कैटेगरी में रखते हैं. अब कंपाउंड में हम फिर से देखो, हमने स्टार्टिंग में कहा कि एलिमेंट कंबाइन. व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉलो सर्टेन रूल एंड रेगुलेशंस. दीज रूल एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. मींस अगर कोई मुझे पूछे कि सर Can you define law of chemical combination means, तो मैं इसको कहूंगा कि these are the laws which are followed by elements or compounds. These are the laws which are followed by elements or compounds when they combine. कि जब वो जुड़ेंगे तो कौन कौन सा रूल लगेगा, उस उन रूल को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. आई रिपीट, दीज आर द लॉज विच आर फॉलोड बाय एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वेन दे कंबाइन और वेन दे undergo any chemical change.
केमिकल चेंज आपको पता है ना, केमिकल चेंज सिंपली मींस कि जब कोई नई चीज बन रही है, जब कोई नई चीज बनेगी तो जो जो रूल रेगुलेशन फॉलो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझाई मेरी बात? हमने कहा कि कंपाउंड तब बनेगा जब एलिमेंट कंबाइन करेंगे या कोई भी चीज कंबाइन करेगी। जब कोई चीज कंबाइन करेगी तो कुछ रूल रेगुलेशन लगेंगे, उन रूल रेगुलेशन को कलेक्टिव नेम क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल, या आप इसको लिख सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक से ज्यादा लॉ यहां पर है। अब ये जो लॉज हम लोग पढ़ते हैं इनमें से कुछ लॉ ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, जो आपने क्लास 9th में पढ़े हैं। उन्हीं लॉज में जो सबसे पहला लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 9th में। यहां पर कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है विच डू नॉट चेंज। जो चीज बदलेगी नहीं, जो चीज नहीं बदलेगी उसको क्या बोलेंगे, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन मींस विच डू नॉट चेंज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या चेंज नहीं करेगा, मास नहीं चेंज करेगा। क्या नहीं चेंज करेगा, मास चेंज नहीं करेगा। इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन मास can neither be created nor be destroyed। ना तो आप मास को बढ़ा सकते, ना तो क्रिएट कर सकते, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब कम नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, कोई रिएक्टेंट है जैसे कि H2 प्लस हाफ O2 दैट गिव्स यू H2। क्या ये केमिकल प्रोसेस है? बिल्कुल है। इसके अंदर H2 और O2 क्या है, रिएक्टेंट है। H2O क्या है, प्रोडक्ट है। देन व्हाट दिस लॉ स्टेट्स के अमाउंट ऑफ H2 प्लस अमाउंट ऑफ O2 इज इक्वल टू amount of water formed after the reaction। ठीक है, मतलब जितना H2 और O2 यूज करोगे आप, मान लो H2 आपने यूज किया 10 ग्राम्स, ऑक्सीजन यूज किया आपने 80 ग्राम्स। ठीक है, एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि H2 यूज्ड कितना हुआ, H2 used is equal to 10 gram। ये हम क्या कर रहे हैं, let कर रहे हैं, let। H2 used is 10 grams। O2 used is 80 grams। Hydrogen कितना use हुआ, 10। Oxygen कितना use हुआ, 80। Then amount of water formed will be equal to 10 प्लस 80 मींस 90 ग्राम। मतलब इसका मतलब है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 10 ग्राम आपने हाइड्रोजन लिया, 80 ग्राम आपने ऑक्सीजन लिया और जो वाटर बना वो 91 ग्राम बन गया। 91 नहीं बना जो है बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर 91 बन गया तो इसका मतलब है आपने 1 ग्राम मास क्रिएट कर लिया, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा भी नहीं होगा कि ये 89 ग्राम बने, 89 ग्राम बनने का मतलब क्या हो गया कि आपने मास को डिस्ट्रॉय कर दिया, कितना, 1 ग्राम से डिस्ट्रॉय कर दिया। या मान लो यहाँ पर 87 बनता तो कितने ग्राम डिस्ट्रॉय हो गया, 3 ग्राम। तो ना तो मास 90 से ज्यादा आएगा ना मास 90 से कम आएगा। ज्यादा आएगा मतलब यू कैन नॉट क्रिएट, कम आएगा मतलब यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया, या इसी लॉ को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि टोटल
मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक रिएक्शन मैंने ली कि ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी विल बी इक्वल टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। ठीक है, ये इसके बराबर आने वाले हैं। तो बड़ा सिंपल सा लॉ है कि आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका इसके बेस्ड अगर मान लो आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछे, सपोज क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो अब न्यूमेरिकल्स आने शुरू हो जाएंगे, अगर न्यूमेरिकल्स आपसे कोई पूछता है तो न्यूमेरिकल यहाँ दो कैटेगरी में पूछा जा सकता है। पहला कि वो कोई रिएक्शन लिखेगा, उस रिएक्शन में कहेगा कि भाई ये रिएक्टेंट इतने ग्राम और ये रिएक्टेंट इतने ग्राम और प्रोडक्ट इतने इतने ग्राम बना, तो बताओ क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, पहला सवाल। दूसरा सवाल वो पूछ सकता है आपसे कि भाई ठीक है अगर मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है तो रिएक्टेंट इतने इतने ग्राम, बताओ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा। ठीक है, हम दोनों के बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। सो टुडे आई केम टू नो दैट सम ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम के सर आप बहुत तेज लिखते हैं, फटाफट साफ कर देते हैं, हमें लिखने का मौका नहीं मिलता। आई एम गिविंग ए चांस, मैं आपको यहाँ से बिल्कुल बोर्ड दिखाऊंगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करें एंड यू कैन इजिली राइट इट डाउन। नोटबुक्स आर कंपल्सरी, नोट्स आर कंपल्सरी, क्योंकि दिस इज द नोट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, तो उसके लिए नोटबुक प्रॉपर वे में मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। तो मैं आप साथ के साथ ताकि लिख सकें, आप वीडियो चल रही है मैं सामने से हट जाऊंगा ताकि बोर्ड आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, आप वीडियो को वहीं पॉज करें और आराम से उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए यू कैन नोट। मूविंग ऑन, हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या आया, मुझे समझ आया। अब बात कर लेते हैं कि ये लॉ के बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आएगा। छोड़ रहा हूं क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, तो यू कैन नोट्स इट। द फर्स्ट न्यूमेरिकल विच आई एम हैविंग हियर राइट नाउ इज, मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल कहता है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट। ठीक है,
अब उसने यहां पर कहा इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है अगर ट्रू है, दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर वन। न्यूमेरिकल नंबर टू की ओर बात कर लेते हैं। वो कहता है आपके पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड CH3COOH और एसिटिक एसिड कितना है 10 ग्राम है। It is observed to release 2.2 gram of CO2, 2.2 gram of CO2, residue left plus कोई और चीज है जिसको उसने नाम दिया है residue left is 12 gram, ये दो तरीके के न्यूमेरिकल है। पहले में तो पूछता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्रीमेंट में है या नहीं। एग्रीमेंट का सीधा सीधा मतलब है, एग्रीमेंट का बड़ा सीधा सा मतलब है इज इट फॉलोड और नॉट। ठीक है, वो पूछना चाह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट या मैं कहूं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर रिएक्टेंट दो चीजें हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है और दूसरा एसिटिक एसिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है 4.2 ग्राम प्लस ये कितना है, ये है मेरे पास 10 ग्राम, तो टोटल मास कितना आ गया 14.2 ग्राम। रिएक्टेंट तो दो ही चीजें हैं ना आपके पास, कौन कौन सी, एक सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरी एसिटिक एसिड। एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट है 4.2, एसिटिक एसिड है 10, तो दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा 14.2 ग्राम। तो 14.2 ग्राम रिएक्टेंट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट का मास 14.2 ग्राम आ रहा है तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, द ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर 14.2 नहीं आ रहा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट इन एग्रीमेंट। तो देखें टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट में मेरे पास है 2.2 ग्राम ऑफ CO2 प्लस 12 ग्राम ऑफ रेजिड्यू। मुझे कोई मतलब नहीं है कि रेजिड्यू में क्या क्या चीजें हैं, मुझे रेजिड्यू का मैं रेजिड्यू लिखूंगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 14.2। तो देखो क्या दोनों मास बराबर हैं, बिल्कुल है। अगर मास बराबर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज इन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट में है, ठीक है। अब इसी के बेसिस देखो ऊपर वाला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ऊपर वाला न्यूमेरिकल कहता है व्हाट मास ऑफ AgNO3 रिएक्ट विद 5.85 ऑफ NaCl। रिएक्टेंट दो है आपके पास, कौन-कौन सा, एक तो है AgNO3, दूसरा क्या है NaCl। अब AgNO3 का मास मैंने लेट किया x ग्राम, ठीक है, और NaCl का मास कितना है 5.85 ग्राम। ये क्या दे रहा है आपको, ये आपको दे रहा है प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ AgCl, 14.35 ग्राम, और उसके बाद दे रहा है 8.5 ग्राम ऑफ NaNO3, ये कितना है 8.5 ग्राम। इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, इफ आई से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, तो इसका मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर वो एग्रीमेंट में है तो सीधा सीधा मतलब यही है। अब रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है x प्लस 5.85 ग्राम और मास ऑफ प्रोडक्ट टोटल कितना है 14.35 और 8.5, तो ये दोनों क्या होने चाहिए एग्रीमेंट में।
कैसे पता चला? उसने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.35 प्लस 8.5 माइनस आ जाएगा 5.85। तो ये जो होगा दिस विल बी योर आंसर फॉर AgNO3। ठीक है, AgNO3 का इतना अमाउंट 5.85 NaCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो 14.35 ग्राम AgCl बनेगा और NaNO3 की तरह बनेगा 8.5 ग्राम। ठीक है, तो दीज आर द टू न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल वन, न्यूमेरिकल टू। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें एंड नोट डाउन करें। चलिए, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सॉरी नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो अगला है। पहला कौन सा आ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरे की हम बात कर रहे हैं अब, वो भी आपने कर रखा है। ठीक है, और वो कौन सा लॉ है? दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है। डेफिनेट का मतलब फिर से क्या हो जाता है? फिक्स। ठीक है, प्रोपोर्शन मतलब अमाउंट। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन एनी एलिमेंट combine to form the compound, कोई भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट जब भी कंपाउंड को बनाएंगे, ठीक है, combine to form the compound, they combine in fixed proportion by mass। ये बात फिक्स है कि आप वो जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे कोई एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने के लिए, तो उनका जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं, और टू फॉर्म द कंपाउंड elements always combine in fixed ratio by mass। कि मास का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होने वाला है? फिक्स होने वाला है। अगर मास का रेशो फिक्स होने वाला है, जैसे इसका एक बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं। For example, I am having water. ठीक है, वाटर दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के सोर्स हैं वाटर के, जैसे रिवर में वाटर है, ओशियन के अंदर वाटर है, हमारे ट्यूबवेल के अंदर वाटर आता है। ठीक है, रेन में भी क्या होता है? वाटर होता है। इवन गटर में भी क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस हैं, लेकिन आप वाटर को चाहे रिवर से उठाओ, आप चाहे उसको गटर से उठाओ, आप चाहे उसको सी से उठाओ, आप चाहे उसको रेन वाटर को कलेक्ट करो, आप वाटर का चाहे जो मर्जी सोर्स लें, तो हमेशा हमेशा फॉर्मूला क्या होने वाला है? H2O। अगर फॉर्मूला H2O है तो वो वाटर है, और अगर फॉर्मूला H2O नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वाटर नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बट वो वाटर नहीं हो सकता। जब हम वाटर लेते हैं और उसका रेशियो क्या है? H2O, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O है। तो देखें, आपने क्लास 9th में सीखा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, और उसका एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1। तो एक हाइड्रोजन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज
इक्वल टू वन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ये है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। याद है ना कि एटॉमिक मास को किस में मेजर करते हैं, ए एम यू में या फिर ग्राम्स में, ऐसे 16 ए एम यू या फिर ग्राम। तो जब ये आपस में कंबाइन किया तो इसमें रेशो देखो, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 2 है। सबस्क्रिप्ट लिखा हो ना पैर में, 2 लिखा हो तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है, 1। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। मैं इसको लिख सकता हूँ 2:16 या फिर 1:8। इसका मतलब है हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 9 ग्राम ऑफ वाटर। लास्ट कंजर्वेशन मास याद है ना, रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो मास ना तो कम आएगा ना ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा किस रेशो में आएगा, वाटर में। मान लो मैं आपको एक कंपाउंड दूं और उस कंपाउंड के अंदर मैं कहूं कि 2 एलिमेंट है जी, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और दोनों का जो रेशो है वो 1:8 है, तो बताओ कंपाउंड कौन सा है। तो सीधा सीधा कंपाउंड इज वाटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग CO2, ठीक है। CO2 में याद रखें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, बट मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। अब ये रेशो निकालो, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है। कार्बन तो है 1, एक कार्बन का मास मुझे पता है 12, ठीक है। एक ऑक्सीजन का कितना है, 16, लेकिन ऑक्सीजन मेरे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने हैं, 2 है। क्या है, 2 है। अगर 2 है तो देखो कितना रेशो आता है, 12:32 और 3:8। इसका मतलब है देखो CO2 नेचर में नेचुरली अवेलेबल है और मैन मेड भी होती है। नेचुरल अवेलेबल कैसे है, फोटोसिंथेसिस में CO2 ही तो यूज करते हैं, और मैन मेड भी है कि आप किसी चीज में कंबशन कराओ, किसी चीज में आग लगाओ, अगर उस चीज में कार्बन है तो CO2 बाहर निकलेगा। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, हाइड्रोकार्बन्स में जब आप कंबशन कराते हैं तो क्या बाहर जाता है, CO2। यानी कि CO2 मैनमेड भी हो सकता है और वो नेचुरल भी हो सकता है। अब CO2 भले ही मैनमेड हो या फिर वो नेचुरल हो, अगर वो CO2 है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या आएगा, 3:8। याद रखना, इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, फिक्स्ड रेशो बाय मास। हम यहाँ पर मास ही लेके चल रहे हैं, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम मास की बात कर रहे हैं। तो CO2 चाहे वो मैनमेड हो, चाहे वो जो है नेचुरल हो, अगर वो CO2 है तो अमाउंट हमेशा क्या रहने वाला है, 3:8। इसी को जो 2 डेफिनेशन हमने दी है इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैं लिख सकता हूँ एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड। कि अगर उसको कंपाउंड बनाना है तो वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा, किसकी फॉर्म में, मास की फॉर्म में। लेकिन वो मास कैसा होगा, सिंपल होल नंबर रेशो। होल नंबर मतलब फ्रैक्शन में नहीं जाना हमें, होल नंबर मतलब हमें फ्रैक्शन में नहीं जाना। सिंपल का मतलब क्या है, 3:4, 4:6, 6:9, 3:2, 5:8, इस हिसाब से, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो। तो दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मेरे लिए क्या आया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो कहता है इट स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड दे कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब जब वो कंबाइन करें,
हमेशा वो प्रोपोर्शन क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। ये हमारे पास सेकंड हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। अब इसके बेस भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सेट हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा एक न्यूमेरिकल, लेट्स ट्राई न्यूमेरिकल। अब इसने हमें एक बात कही, वो क्या कहा, इसने हमें कहा कि 6.488 ग्राम ऑफ लेड, दिस इज द न्यूमेरिकल, 6.488 ग्राम ऑफ लेड। लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी। कंबाइन डायरेक्टली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड पर ऑक्साइड, एंड लेड परऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, यानी कि PbO2 इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। And it was found that percentage of oxygen present and it was found that percentage of oxygen, in lead peroxide is, is 13.38. 13.38%. Use this data. Use these data to illustrate the law. यहाँ पर एक बार आप पहले इसको उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, देन वी विल मूव लिटिल फर्दर। चलिए अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं कि हम न्यूमेरिकल से कैसे इस लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। देखिए इस न्यूमेरिकल को पहले समझते हैं। एक्चुअल में इसने मुझे कहा कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर 6.488 ग्राम ऑफ लेड पीबी कंबाइंड विद ऑक्सीजन, कंबाइंड डायरेक्टली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म PbO2, ठीक है। इसने क्या दिया, PbO2 हमें बना के दिया, ठीक है, लेड परऑक्साइड। अच्छा, इसमें क्या ऑक्सीजन का अमाउंट गिवन है, लेट मी चेक फर्स्ट। Yes, 1.022, directly with 1.022, 1.022, yes, no, this is 1.002, 1.002 gram of oxygen, ये है statement, कि यहाँ पर lead था 6.488, oxygen कितना है, 1.002 gram, ये gram है, और उसने क्या बनाया, lead peroxide, ये कहाँ है, लैबोरेटरी में। दिस इज मेथड वन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ PbO2। उसने हमें कहा कि भाई मेरे पास एक और मेथड है, दिस इज मेथड टू, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PbO2। अब वो मेथड क्या कहता है, वो कहता है PbO2 इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, कि आपके पास है PbNO3 ट्वाइस,
और इसको आप क्या कर दीजिए, हीट कर दो। इफ यू विल हीट, तो यहां से भी क्या बनेगा, PbO2 बनेगा। यहां से याद रखना, एक और सिर्फ PbO2 नहीं बनता, यहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर जाएगी। बट लेट्स कम, चलो निकाल ही देते हैं NO2 गैस। लेकिन उसने कहा कि ये एक और मेथड है। पहला मेथड तो ये था कि लेड को ऑक्सीजन के साथ सीधा सीधा रिएक्ट करा दो। दूसरा मेथड है कि लेड नाइट्रेट लो, उसको हीट करो, वहां से भी क्या बनने वाला है, PbO2 बनने वाला है। अगर PbO2 बनता है तो इसके अंदर PbO2 का जो परसेंटेज है, इसमें जो PbO2 की परसेंटेज है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन PbO2 इज 13.38। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 13.38%, 13.38%। अब वो कहता है यूज दीज डाटा टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने इतनी सी बात कही कि भाई चीजों को बनाने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है, लैबोरेटरी में भी हो सकता है। अब चाहे नेचर में कोई चीज बनती हो या लैब में कोई चीज बनती हो, अगर एक ही चीज हम बना रहे हैं दो अलग अलग मेथड से, तो उसमें जो अमाउंट है, जैसे यहाँ पे क्या बना रहे हैं, PbO2, दो अलग अलग मेथड से, मेथड वन एंड दिस इज मेथड टू, तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ इट स्टेट्स कि इसमें जो PbO2 का जो रेशियो होगा, मतलब जितना पीबी, जितने ग्राम यहाँ होगा उतने ही यहाँ पर होगा, ऐसे जितना ऑक्सीजन यहाँ है उतना ही ऑक्सीजन यहाँ है, लेकिन अमाउंट किसमें कह रहा हूं मैं, ग्राम्स में। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास मींस एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, के इट मींस अमाउंट ऑफ लेड एंड ऑक्सीजन या रेशियो ऑफ मास ऑफ लेड पर ऑक्साइड इन दिस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ लेड एंड ऑक्सीजन इन दिस। ठीक है, फ्रॉम मेथड वन, देखिए मेथड वन की अगर मैं बात करूं तो 6.488 और 1.002, अगर आप ये दोनों कंबाइन करते हैं, ठीक है मैं थोड़ा सा हेल्प ले रहा हूँ कैलकुलेटर की ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। 6.488 प्लस 1.002 0.002, द आंसर कम्स आउट टू बी 7.49। ये आ गया जी मेरा कितना, 7.49। ठीक है, ये मेरे पास अमाउंट आया किसका, मेरे पास अमाउंट आया PbO2 का, लेकिन ये कौन सा लॉ है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन इसमें देखो, अगर मैं लिखता हूं रेशियो मास ऑफ लेड, मास ऑफ लेड रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना आया, 6.488 रेशियो 1.002। अगर मैं इसको सिंपल होल नंबर में लेके जाऊं, सिंपल होल नंबर में, तो ये कितना आएगा, देखें मैंने इसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया 1.002 से, 1.002, और इसको भी डिवाइड कर दिया 1.002। देखें तो ये तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 रेशो। यहां पर कितना आ जाएगा, इफ आई हैव 6.488 एंड आई डिवाइड दिस बाय 1.002, तो आंसर आएगा 6.475। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं। हालांकि मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करना है, बट फिलहाल मैं होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर रहा। नाउ आई हैव मेथड टू। मेथड टू में देखो, उसने आपको नहीं बताया कि लेड का अमाउंट कितना है और ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। उसने यहाँ पर कहा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 13.38%। इफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 13.38, अगर मतलब टोटल मास कितना हो, 100 हो, तो लेड मास ऑफ लेड रेशो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 100 में से कितना है, 13.38, और तो यहां पर लेड का कितना बचेगा, 100 माइनस 13.38। ध्यान से समझ लेना, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो
किस में बात कर रहा है, परसेंटेज में, परसेंटेज में अगर कह रहा है तो टोटल मार्क्स कितना है, 100 है, 100 है, तो 100 में से 13.38 किसका है, ऑक्सीजन का, तो लेड का कितना बचेगा, 100 माइनस 13.38। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, 100 माइनस 13.38, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 86.62:13.38। इसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करो, सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया 13.38 से, इसको भी 13.38 से, तो यहाँ पर तो क्या आ गया, 1, जबकि यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 86.62:13.38, तो ये भी कितना आने वाला है, 6.475। यू कैन कैलकुलेट 6.475। अब यहाँ देखें, आपके पास लेड पर ऑक्साइड को बनाने के दो तरीके थे, दोनों तरीकों में जो लेड पर ऑक्साइड बना उसमें जो रेशो है लेड का 6.475 ग्राम ऑक्सीजन के 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, इसमें भी लेड पर ऑक्साइड में 6.475 ग्राम ऑफ लेड कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लेड को आप जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ या जब भी आप लेड पर ऑक्साइड बनाओ, आप उसका बनाने का मेथड चाहे कुछ भी रखो, कोई भी मेथड अडॉप्ट करो, हमेशा लेड और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा, फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ लेड यू विल रिक्वायर, सॉरी, फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यू विल रिक्वायर 6.475 ग्राम ऑफ लेड। अगर रेशियो ये है तो इसका मतलब लेड पर ऑक्साइड है, और अगर रेशियो ये नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है लेकिन लेड पर ऑक्साइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें एंड नोट करें आप इसको। सो दिस वाज माय सेकंड लॉ। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इसकी, क्या इस लॉ की कोई लिमिटेशन भी है? आंसर इज जी, बिल्कुल है, लॉ की लिमिटेशन है। और कोई लिमिटेशन क्या कहती है, देखें, बेसिकली देयर आर टू लिमिटेशन, लिमिटेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। पहला के जैसे हम एग्जांपल क्या लेके चल रहे हैं, CO2 से पहले आप एक वर्ड याद करें जो क्लास 9th में पढ़ा था, आइसोटॉप्स मींस सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। के एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अगर मास नंबर डिफरेंट है, जैसे कार्बन दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक जब उसका मास होता है 12 AMU, एक जब उसका मास होता है 14 AMU। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर CO2 की ही, अगर मान लो आपने आइसोटोप 12 वाला यूज किया, तो ये रेशो कितना आ जाएगा, 12:1, एक ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 12:32। कब, व्हेन C12 इज यूज्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप CO2 यूज करें, लेकिन अब कौन सा आइसोटॉप यूज करें, 14 वाला, तो रेशो कितना आ जाएगा, 14:32। कब, व्हेन आइसोटॉप इज C14। जब हम ये वाला आइसोटॉप यूज कर रहे हैं, अगर 12 का आइसोटॉप यूज किया तो रेशो कितना आएगा, 12:32, और अगर 14 का यूज किया तो 14:32। एलिमेंट तो सेम ही है तो दोनों ही CO2, लेकिन दोनों में अलग अलग रेशो है। तो पहली लिमिटेशन क्या आ गई, नॉट वैलिड फॉर आइसोटॉप्स, नॉट वैलिड फॉर आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप मैंने बता दिया, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, अब इस पे दूसरी लिमिटेशन देख लेते हैं। दूसरी लिमिटेशन के लिए लेट्स गो टू लिमिटेशन नंबर टू, और
CH2OH। सबको बताइए क्या है ये? अल्कोहल। अल्कोहल में देखें कार्बन कितने हैं? दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 3+। चार्जर कहाँ है? चार्जर